हनुमान जी के बड़े रहस्य जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो जाता है। रामायण के युद्ध में इतने रहस्य नहीं होंगे जितने रहस्य हनुमान जी के साथ जुड़े हुए हैं। त्रेता युग से लेकर कलयुग तक हनुमान जी आज भी हमारे आसपास ही हैं और समय के साथ साथ उनके जीवन के साथ भी कई रहस्य जुड़ते चले गए और आज हमने उन्हीं में से 10 सबसे बड़े रहस्यों को चुना है। आपको शायद ये पता होगा कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे, इसके बावजूद भी उनका एक पुत्र था। लंका नगरी में आग लगाने के पश्चात हनुमान जी अपनी पूंछ की आग बुझाने के लिए वहीं पास के समुद्र में कूद गए तथा पूंछ की आग बुझाई। उस समय हनुमान जी का शरीर बहुत थक चुका था, वह पसीने से लथपथ थे। तभी उनके शरीर की तेज से एक पसीने की बूंद निकली जो समुद्र में गिरी। इस पसीने की बूंद को एक मछली ने आहार समझकर खा लिया जिससे वो गर्भवती हो गई और उसे एक संतान हुई जिसका नाम था मकरध्वज। मकरध्वज का आधा शरीर वानर का था और आधा मछली का था। अहिरावण से युद्ध से पश्चात हनुमान जी को भी पता चल गया था कि उनका भी एक पुत्र है और इस तरह से उनकी मुलाकात मकरध्वज से हुई थी। आज ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि हनुमान जी बंदर थे, लेकिन अगर हम महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण का सही से अध्ययन करें तो उसमें हमें ये पता चलता है कि वो साधारण बंदर नहीं थे बल्कि अलग प्रजाति के थे। वानर शब्द बंदर के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, संस्कृत में बंदर को कपि शब्द से जोड़ा जाता है। इस तरह से वानर एक प्रजाति हुई और अब नए अध्ययनों में ये साबित हो चुका है कि 2 से 3 लाख साल पहले अलग प्रजातियां भी हुआ करती थी और ऐसी ही एक प्रजाति के कंकाल पाए जा चुके हैं जिन्हें नियंडरथेलनेस कहा जाता है। इसी तरह इंसानों की और भी प्रजातियां हुआ करती थी और धीरे धीरे कई लुप्त हो गईं। हनुमान जी को भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार कहा जाता है। कहा जाता है कि धर्म की स्थापना और रावण का अंत करने के लिए भगवान विष्णु ने श्री राम का अवतार लिया था। उस समय कई देवताओं ने अलग अलग रूप में भगवान राम की सेवा करने के लिए अवतार लिए थे। उसी समय भगवान शंकर ने भी अपना रुद्र अवतार लिया था और इसके पीछे की वजह थी कि उनको भगवान विष्णु से दास्य का वरदान प्राप्त हुआ था। हनुमान उनके 11वें रुद्र अवतार हैं। इस रूप में भगवान शंकर ने श्री राम की सेवा भी की और रावण वध में उनकी मदद भी की थी। त्रेता युग में अंजनी और केसरी के पुत्र के रूप में हनुमान जी का जन्म हुआ था। हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका तक पहुंच गए। देवी सीता को श्री राम का संदेश दिया था जिससे प्रसन्न होकर माता सीता ने हनुमान जी को अमर होने का वरदान दिया था। इस वरदान के कारण वो कलयुग के अंत तक धरती पर ही विराजमान रहेंगे और भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि का साथ भी देंगे और उन्हीं के साथ धरती लोक को त्याग भी देंगे। हम्पी में ऋष्यमुख के राम मंदिर के पास स्थित पहाड़ी आज भी मतंग पर्वत के नाम से जानी जाती है। कहते हैं कि मतंग ऋषि के आश्रम में ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। श्री राम के जन्म के पूर्व हनुमान जी का जन्म हो चुका था। हनुमान जी का जन्म चैत्र मास की शुक्ल पूर्णिमा के दिन हुआ था। आज भी इन स्थानों को हम्पी के नजदीक इसी तरह से संजोकर रखा गया है और भक्त वहां पर उमड़ उमड़ कर जाते हैं। श्री राम ने हनुमान जी को ये वरदान भी दिया था कि वो अगले ब्रह्मा होंगे। ब्रह्मा जी का जीवन 100 दिव्य वर्षों का होता है जिसके बाद उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है और नए ब्रह्मा उनका स्थान ले लेते हैं। इस समय हम ब्रह्मा जी के 51वें साल के पहले दिन में जी रहे हैं और उनका ये जीवन हमारे दिनों के हिसाब से बहुत ज़्यादा लंबा होता है। इन सब को मैंने एक अलग वीडियो में समझाया हुआ है, आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उसे भी देख सकते हैं। और जब ब्रह्मा जी के 100 वर्षों का समय हो जाएगा जिसमें हजारों लाखों बार प्रलय आएगी,
उसके बाद ये ब्रह्मा जी भी मोक्ष प्राप्त कर लेंगे और हनुमान जी ब्रह्मा जी बनेंगे। हर कोई ये सवाल करता है कि आखिर रामायण काल के बाद हनुमान जी कहाँ गए, लेकिन अगर हम दुनिया की अलग अलग सभ्यताओं में भी ढूंढें तो हम हनुमान जी के सबूत ढूंढ सकते हैं। चीन में भी प्राचीन काल के मंकी गॉड की बातें और कथाएं सुनाई जाती हैं। उनकी कई समानताएं आपको हनुमान जी से मिल जाएंगी, जबकि उनके हथियार कुछ अलग भी देखने को मिल सकते हैं। इसी के साथ अमेरिका में भी मंकी गॉड की पूजा की जाती थी, और जब वैज्ञानिकों ने होंडुरस के जंगलों में ढूंढने की कोशिश की तो उन्हें प्राचीन काल के मंदिर भी मिले जहां पर मंकी गॉड की कई प्रतिमाएं दीवारों पर बनाई गई थी। आप भी देख सकते हैं कि इसकी समानता हनुमान जी से कितनी है। हनुमान जी के कुल 108 नाम गिनाए जाते हैं और उनके हर एक नाम का अलग ही अर्थ है। जिस प्रकार उनकी टूटी हुई ठुड्डी के कारण उन्हें हनुमान कहा जाता है, इसी तरह उनके पिता पवन देव थे इसलिए उन्हें पवन पुत्र कहा जाता है। इस प्रकार उनके 108 नाम हैं, लेकिन 12 नाम सबसे खास माने जाते हैं। ये नाम हैं मारुति, अंजनी पुत्र, केसरी नंदन, हनुमान, पवन पुत्र, शंकर सुवन, बजरंग बली, कपि श्रेष्ठ, वानर यूथपति, रामदूत, पंचमुखी हनुमान और रामेष्ठ। जब विश्वामित्र का अपमान सुकंत ने कर दिया तो सुकंत तो हनुमान जी के पास पहुंच गए और हनुमान जी से वचन ले लिया। वहीं विश्वामित्र ने भी श्री राम से वचन ले लिया कि वो उनकी तरफ से युद्ध लड़ेंगे। जब श्री राम को हनुमान जी का सामना करना पड़ा तो हनुमान जी ने अस्त्र शस्त्र डाल दिए, लेकिन श्री राम तो वचन से बंधे हुए थे इसलिए उन्होंने अस्त्रों का इस्तेमाल किया। उन्होंने ब्रह्मास्त्र हनुमान जी पर चलाया, लेकिन हनुमान जी नीचे बैठकर श्री राम नाम का जप करने लगे। उन पर ब्रह्मास्त्र भी विफल हो गया। इस तरह विश्वामित्र को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और इस युद्ध को उन्होंने रुकवाया। हनुमान जी का जिक्र सिर्फ रामायण में ही नहीं मिलता, बल्कि महाभारत में भी मिलता है। एक बार हनुमान जी जंगल में सो रहे थे जब भीम वहां से जा रहे थे। भीम उस रास्ते से जाना चाहते थे, लेकिन हनुमान जी की पूंछ वहीं पर पड़ी हुई थी और वो वहां पर विश्राम कर रहे थे। हनुमान जी ने कहा कि आप पूंछ हटा सकते हैं तो हटा लें। तब भीम ने हर कोशिश कर ली, लेकिन वो पूंछ को हटा नहीं पाए और वो समझ गए ये कोई साधारण वानर नहीं है बल्कि हनुमान जी हैं। इसी के साथ महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ के ध्वज भी हनुमान जी बने हुए थे, और जब युद्ध के अंत में अर्जुन उस रथ से उतरे और उसके ध्वज के रूप में बने हनुमान जी भी वहां से गए, वो रथ राख बन गया। भयानक अस्त्रों का भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा था जब तक हनुमान जी वहां पर थे, उनके जाते ही वो रथ राख बन गया था। तो मित्रों, ये थे हनुमान जी के बड़े रहस्य। मैं आशा करूंगा आप इसे सुनकर मंत्रमुग्ध जरूर हुए होंगे और हनुमान जी